हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू नेहा एकेडमी। वेलकम टू अ नेक्स्ट सेशन ऑफ एनसीईआरटी मैपिंग। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू प्लेलिस्ट जिसमें हम एनसीईआरटी मैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एंड उसके कंसेप्ट्स लाइन टू लाइन पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सिंस ऑल द ईयर्स, रीसेंट 5 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज एनसीईआरटी से ही आ रहा है। सो शुरू करते हैं द एनसीईआरटी मैपिंग ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स। 11th का चैप्टर है ये। इसका ओवरऑल वेटेज है 2 to 3 क्वेश्चंस, नीट में आते ही है। एट टाइम्स 4 क्वेश्चंस भी आए हैं। अगर रेंज देखें तो 1 से 3 क्वेश्चन का रेंज है। बहुत ही अच्छा खासा रेंज है ये कि इतने क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल्स, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स से आते ही आते हैं। हम नीट की बात कर रहे हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन कि ये कंपोनेंट्स कहाँ मिलते हैं, लिविंग नॉन लिविंग का डिफरेंशिएशन दिया है। सो वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्वेश्चन अराइजेस, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेम केमिकल्स, दैट इज एलिमेंट्स कंपाउंड्स। एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करके अगर हमने किया तो हमें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, पेस्ट, तो इन लोगों का अगर एनालिसिस किया तो अपने को एलिमेंट्स मिलते हैं। कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स। याद रखना है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ है सल्फर। सो इफ़ यू आर आस्क्ड व्हिच आर द बिग 4 एलिमेंट्स, तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है। सो अगर ये टिश्यूज़ जैसे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट पे एनालिसिस किया तो अपने को ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं, ऐसे मेंशनड है। इफ़ द सेम एनालिसिस अगर हम पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट में किए, जिसमें नॉन लिविंग मैटर का एग्जांपल है ऑफकोर्स, ये अपने को सेम लिस्ट मिलता है। सो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है क्या? द एलिमेंट इज सेम इन बोथ, बट इज़ देर अ डिफरेंस? येस, देर इज़ अ डिफरेंस। सी डिफरेंसेस क्या है? प्रेजेंट इन द सैम्पल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैम्पल, ये हुआ सिमिलैरिटी। क्लोजर अगर हम एग्जामिनेशन करें, क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस एलिमेंट्स का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग है एंड इन अर्थ क्रस्ट अलग है। लाइक हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा है देन इन अर्थ क्रस्ट। तो ऐसा प्रॉपर टेबल दिया हुआ है आगे, तो अपने को वो टेबल जब हम आएगा टेबल तब हम उसको और अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो अभी हमने स्टार्ट में सिर्फ बोला क्या कि एनालिसिस कर लिए तो लिविंग टिश्यू हुआ या अर्थ क्रस्ट हुआ। तो अब देखेंगे प्रॉपरली एनालिसिस कैसे करना है, विच इज़ द केमिकल विच इज़ एसेंशियल, एंड एनालिसिस के दौरान क्या प्रोसीजर है, दैट ऑल्सो वी विल सी। ओके, सो सेम क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कैसे हमें पता चलेगा, वी हैव टू परफॉर्म व्हाट फॉर दैट, हमें करना है केमिकल एनालिसिस। सो लिविंग टिश्यू ले लो, कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल हो, पीस ऑफ लिवर हो, अ पीस बेसिकली, एंड ग्राइंड इट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि कौन सा केमिकल है विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन केमिकल एनालिसिस। सो देयर इज एन एमसीक्यू विच हैज़ कम ऑन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। दो तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट इज केमिकल कौन सा है एंड दूसरा है उसका फॉर्मूला भी पूछा गया है। अब फॉर्मूला हमें याद करना होगा क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए। ओके, मोटर पेसल की हेल्प से, मोटर पेसल इज व्हाट, इट्स अ वेसल जैसा होता है और ऊपर से इट्स एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिससे अपन पेस्ट बनाते हैं। सो अपने को क्या मिलने वाला है? थिक स्लरी मिलने वाला है। सो यू हैव टू स्ट्रेन दिस थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन, तो हमें ऑब्टेन होने वाले हैं 2 फ्रैक्शन। एक को हम बोलेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली इसमें कौन से कंपोनेंट है? एसिड सॉल्यूबल पूल, सॉल्यूबल रहेंगे एसिड कंपोनेंट में, एंड दूसरे को बोलेंगे रेटेंटेड और द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। ओके, एसिड सॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेटेंटेड, ये जो वर्ड्स है इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है? एसिड सॉल्यूबल होता है। रेटेंटेड क्या होता है? एसिड इनसॉल्यूबल होता है।
नाउ उसके बाद जो इन्होंने कंक्लूड किया है दैट साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्यूबल पूल. ये एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हम सब नीट में आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. दिस चैप्टर लगता है बच्चों को मुश्किल है, बट इट इज़ वेरी इजी बिकॉज एनसीईआरटी इस चैप्टर की अगर बात करें तो लिटरली 80-90% ऑफ द क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से आते हैं. सिर्फ 10% इस चैप्टर के क्वेश्चंस एप्लीकेटरी बेस्ड होते हैं. ओके, सो सी एक एक लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है. दैट इम्पॉर्टेंट इज दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है ना, तो फिल्ट्रेट रिटेंटेट मिला है सिंपली जैसे अपन चाय बनाते. चाय बनाने में क्या क्या लगता है, मेरी को है वाटर, मिल्क, चाय पत्ती, राइट, अदरक, ये सब अपन डालेंगे, दूध, एवरीथिंग. एंड वंस द ऑलमोस्ट द प्रोसेस ऑफ द टी मेकिंग इज डन, व्हाट डू वी टेक अ स्ट्रेनर, उसमें से अपन सारा कंटेंट स्ट्रेन करते हैं. तो कप में क्या आ जाता है, सारा लिक्विड पार्ट. तो दैट लिक्विड पार्ट इज व्हाट द फिल्ट्रेट. एंड देन ऊपर द स्ट्रेनर में ही जमा क्या हो जाता है, चाय पत्ती जमा हो जाती है, अदरक, इलायची, जो भी डाला होगा वो सब ऊपर जमा हो जाता है, वो फिल्टर आउट नहीं होता. दैट इज रिटेंटेड. सो द स्मॉलर कंपोनेंट्स विल फिल्टर आउट, दैट इज फिल्ट्रेट. द हेवियर वंस विल सेटल, दैट इज रिटेंटेड. ठीक है, तो ये आसान हो जाता है इमेजिन करना द कंसेप्ट ऑफ फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेड. आगे बढ़ते हैं. सो इन हायर क्लासेस हम और पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग टिश्यू को एनालाइज करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो इट विल सफाइस टू से दैट वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड्स, देन सब्जेक्ट्स द एक्सट्रैक्ट्स टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स. बिकॉज आगे जब बायोटेक्नोलॉजी सारे चैप्टर्स देखेंगे हम, उसमें और डिटेल है. ठीक है, वन कैन आइसोलेट एंड प्योरीफाई अ कंपाउंड. ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू द कंपाउंड, गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. मतलब और डिटेल हमें जाना है टू एक्चुअली कम टू नो द कंपाउंड एंड मोर अबाउट द कंपाउंड. ओके, अब आता है बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है. ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. तो फिर उनका कैसे पता चलेगा, तो और एक एक्सपेरिमेंट है इसके लिए. पहला एनालिसिस क्या था कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कौन से एलिमेंट्स है. अभी हमें देखना है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं. ऑर्गेनिक मीन्स वॉट, उसमें सब में कार्बन होने वाला है, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे. तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या करना है अपने को, दोनों एक्सपेरिमेंट्स याद रखने. स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन. डिस्ट्रक्टिव क्यों है देखेंगे. वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, से एक लीफ ले लिया है और पीस ऑफ लिवर, तो जो भी लिया है लीफ ही इमेजिन करना. इट इज़ वेरी इजी टू इमेजिन बिकॉज उसका आगे जो टर्म्स है वो हम कोरिलेट लीफ के साथ अच्छे से कर सकते हैं रादर देन लिवर. सो जो हमने पीस ऑफ लीफ लिया है वो क्या कहलाता है, That is the wet weight. ठीक है, वो टिश्यू सैंपल उसका क्या है, इट्स the wet weight. अब क्या करना है, उसको ड्राई करना है, उसको सुखा देना है. ठीक है, ड्राई करने के बाद that will be the dry weight. ठीक है, अब wet weight से dry weight हो गया, वाटर सारा इवेपरेट हो जाएगा ड्राई होने के बाद, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स अस द ड्राई वेट. अब क्या करना है, वो ड्राई वेट के बाद उसको बर्न करना है, इज फुल्ली बर्नड. तो बर्न इसके बाद क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो. सो बर्न की वजह से सारे जो कार्बन कंपाउंड्स है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर लॉस्ट. कार्बन कंपाउंड्स, सी कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2, वाटर वेपर सब निकल जाएगा. अब सारे कार्बन कंपाउंड्स निकल गए तो बचा क्या अपने पास, अपने पास बचा इनऑर्गेनिक कंटेंट. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ऐश. इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. ओके,
दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा. अब जितना एग्जाम्पल दिए है तुरंत वो दोनों तो याद रखने ही है. अब एडिशनल देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन. अब हम जनरलाइज बात कर रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया एसिड सॉल्यूबल का भी बता दिया कि इसमें कौन मिलेंगे सल्फेट एंड फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन. जैसे अगर हम बोन की बात करें तो वैसे इट इज ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन एज इट इज. लाइन पे क्वेश्चन है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर सीन इन ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन सर्च फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट. एज इट इज दिया हुआ है, दे डोंट एक्सपेक्ट कि एनी रैंडम एलिमेंट के बारे में आपको पता हो. ये जो मैंशनड है वो तो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरिन कार्बन एक्सेट्रा. वाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू. सो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप भी समझ जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन एरोमेटिक कंपाउंड्स. बट हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं इसीलिए बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अभी अपने को क्या टर्म्स यूज करने हैं, अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड फैटी एसिड ये सब पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में मेंशन्ड है. अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड फैटी एसिड ये सब क्या है, दीज आर दी माइक्रो मॉलिक्यूल्स. छोटे हैं ये साइज में, ये लोग सब एक साथ आके क्या बना सकते हैं, द बिगर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब आते हैं टेबल पे. दिस टेबल बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है एंड टेबल्स है. ईच एंड एवरीथिंग मेंशनड इन एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो क्या है ये, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर. सो परसेंटेज, सी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू नीट में भी ये परसेंटेज पे क्वेश्चन आया है, बट हायर ऑर्डर थिंकिंग लाइक एम्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर स्पेसिफिक परसेंटेज पूछे हुए हैं. अब एम्स तो नीट के साथ ही हो रहा है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हम नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लाइक हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट 0.1 फॉर्मूला 0.1 ह्यूमन बॉडी 0.5 तो ज़्यादा. कार्बन 0.03 है 18.5 ह्यूमन बॉडी. हम ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट को कंपेयर करें, ऑक्सीजन 46.6 इधर 65, नाइट्रोजन वेरी लिटिल 3.3. तो ये पहले के जो चार है दीज बिकम दी बिग फोर एलिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी में ही ज़्यादा है. क्योंकि इसके बाद हम सल्फर तक भी ठीक है कि सल्फर हियर इट इज़ 0.03 and there it is 0.3. but then if you start talking about sodium dekho 2.8 hai earth crust pe but yahan 0.2 hai. calcium bhi earth crust mein zyada, magnesium bhi earth crust mein zyada, silicon bhi earth crust mein zyada. so sodium ke baad sab earth crust mein zyada hai percentage, pehle 5 ka human body mein percentage zyada hai. okay, so important. next kya hai, list of representative इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लिस्ट है ये. सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर कंपाउंड्स. सी इसमें क्वेश्चन किस पे आता है, इस पे, क्योंकि इट्स सच अ कॉमन टर्म कि हम आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. वाटर डज नॉट हैव कार्बन कंपोनेंट राइट, सो बट वो स्किप हो जाता है दिमाग से एंड वी ऑलवेज कंसिडर इट इन द कंपोनेंट्स विच आर कॉमन. जैसे अपने बॉडी में हाँ भाई ऑक्सीजन कार्बन मान लिया तो वैसे हम वाटर को भी उसमें ले लेंगे. इसीलिए याद रखना है इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनने वाला टर्म कौन सा है, बाकी तो तुम याद कर ही लोगे. क्वेश्चन बना है ऑन वाटर बिकॉज उसमें कंफ्यूजन के हाई चांसेस होते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. The paragraph which is left about amino acid. So amino acids क्या है, organic compounds है containing amino group and acidic group. The substituents
ऑन द सेम कार्बन. सो एक ही कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एंड दैट कार्बन इज कॉल्ड व्हाट? अल्फा कार्बन. क्वेश्चन, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड. दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. मीट में आया हुआ क्वेश्चन, देयर इज अ एमसीक्यू ऑन दैट. मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, राइट, ऐसा है. तो instead of this there is one functional group, instead of this there is one functional group, instead of this there is a R group, this remains the same. So ek side kya hai? Amino group hai iski jagah, iski jagah kya hai? Carboxylic group hai. Aur ye hai apna R group, aur ye carbon kaun sa hua? Alpha carbon. Isiliye unka naam kya hai? Alpha amino acid. ओके, क्वेश्चन है इस पर, ये लाइन्स पे ही क्वेश्चन है. सो फोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ऑक्यूपाइंग फोर वैलेंसी पोजिशंस, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप. आर ग्रुप क्या है अपना? वेरिएबल ग्रुप है. सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देर आर मेनी अमीनो एसिड. अब ये लाइन बड़ा सिंपल सा लाइन लगता है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देर आर मेनी अमीनो एसिड. इस पर नीट में क्वेश्चन बनाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड? इज इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप और दिस ग्रुप और द कार्बन? नो, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप. जैसे जैसे आर ग्रुप चेंज होते रहेगा वैसे वैसे हमें अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड मिलेंगे. ओके, हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ऑफ ओनली 20 टाइप्स. सी टोटल 300 अमीनो एसिड डिस्कवर्ड है बाय साइंटिस्ट, बट ऑफ विच ओनली 20 अमीनो एसिड फॉर्म व्हाट? प्रोटीन्स इन आर बॉडी. इसीलिए वी हैव टू डील विद ओनली दीज 20, नॉट अदर्स. ओके, सो द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड. प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड का क्या मतलब है? प्रोटीन फॉर्मिंग, हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटीन्स. ओके, कुड बी हाइड्रोजन, द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन. मतलब ये बोल रहे हैं ये आर ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. ठीक है, सो अगर हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन है, इसीलिए ग्लाइसिन को अपन बोलेंगे. हाइड्रोजन से तो सिंपल कुछ होगा ही नहीं. सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट. और क्या हो सकता है भाई? मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है आर ग्रुप की जगह, तो वो हो जाएगा एलेनिन. एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेरीन, राइट. सो थ्री ऑफ द 12 आर शोन इन द फिगर. तो फिगर दिया हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड, अपने को वो फिगर याद ही रखना है. आगे है, विल सी वंस वी अंडरस्टैंड द फर्दर कंसेप्ट. और क्या दिया हुआ है? रिलेटेड टू अमीनो एसिड ओनली. द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली द अमीनो, कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप. इसी पे बेस्ड है. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे आर आइदर एसिडिक. ज़्यादा अगर अमीनो ग्रुप है तो वो बेसिक है, ज़्यादा कार्बोक्सिलिक है तो वो एसिडिक है. बेसिक में सी एग्जाम्पल्स उन्होंने तुरंत दिए हैं एंड दे मेक श्योर वो वहीं पूछते हैं. लाइक एसिडिक में है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में है लाइसिन, न्यूट्रल में है वैलिन अमीनो एसिड, राइट. सो एग्जाम्पल्स दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट. सिमिलरली एरोमेटिक भी है. बेंजीन रिंग में होगा टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन. अब ये तीनों पे क्वेश्चन बना हुआ है. एरोमेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज दिया. एरोमेटिक में तीन लोग हैं, हमेशा पूछते हैं लाइक तीनों साथ में देंगे एंड देन दे लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, या एनी रैंडम दे विल गिव जिसमें इन तीनों में से एक होगा. ओके, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच. द नेचर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस. ये बी इज कॉल्ड द ज्विटर आयोनिक फॉर्म. सो ज्विटर आयन का कंसेप्ट क्या है? एसिडिक
नेचर है अगर सॉल्यूशन का, तो अमीनो एसिड एक्ट्स एज अ बेस एंड वाइस वर्सा. बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का, सो अमीनो एसिड एक्ट्स एज एन एसिड. सी हियर NH3+ हो गया ये, तो NH3+ NH2 का NH3+ हो गया है, मीन्स व्हाट, मोर ऑफ बेसिक. और यहाँ क्या है, COO- मीन्स मोर ऑफ एसिडिक, मोर ऑफ बेसिक, मतलब इट हैज़ द एबिलिटी टू बिहेव एज एन एसिड ऑल्सो, बेस ऑल्सो एंड एज एन एसिड ऑल्सो. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी कि दोनों वो बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस सोल्यूशन में है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज having a Zwitter ionic form. And amino acid do show Zwitter ionic form. इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, बिकॉज दे हैव मैंशनड, यहाँ यहीं पर दिया हुआ है, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि अपने को वो याद रखना है. ओके, वो था अमीनो एसिड के बारे में. ना वॉट दे हैव डन, इसमें बायोमोलिक्यूल्स में प्रॉब्लम क्या हो गया है, वॉट एवर कंटेंट दे हैव जस्ट प्लेस्ड इट रैंडमली. So it becomes difficult for a student to read and remember, but we have no option. So what we have to do, जैसे जैसे दिया है वैसे ही follow करना है और अच्छे से याद कर लेना है. Okay, जैसे they have mentioned about these micromolecules जो acid soluble pool में है, तो वही micromolecules में पहला amino acid दिया है, अब lipid दिया है, राइट, और फिर क्या करेंगे, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक दैट. ओके, सो वी हैव टू फॉलो देयर पैटर्न बिकॉज वी हैव टू नो एक एक लाइन प्रॉपरली ऑफ एनसीईआरटी. ओके, सो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, और फैटी एसिड हैज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप, वो उसका फंक्शनल ग्रुप है, पूछा गया हुआ है. ओके, आगे द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप. नाउ द आर ग्रुप का कार्बन नंबर देखो, इट इज 1 to 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसका है 1 to 19, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. हम बात कर रहे हैं आर ग्रुप की. हाँ, अगर हम बात करें पूरे फैटी एसिड की, तो उसमें क्या होगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का जो बीच में कार्बन है वो भी ऐड हो जाएगा. सो इफ यू टॉक अबाउट फैटी एसिड एज अ होल एंड उसमें कार्बन नंबर है, तो वो क्या होगा, 2 to 20. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर ग्रुप इन फैटी एसिड, तो वो होगा 1 to 19 कार्बन. वेरी इम्पॉर्टेंट, इस पर आया हुआ है नीट में क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब टोटल इसके पास कितने है, 16 है. कौन, पाल्मिटिक. क्वेश्चन नेक्स्ट, एरेक्डोनिक एसिड हैज़ 20 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब टोटल इसके पास भाई 20 है. अगेन नीट क्वेश्चन. अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग. अब एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप किया तो नंबर चेंज हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग हो जाएगा 19 इधर और इधर हो जाएगा 15. सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर आंसरिंग, ऐसे नहीं कि हमने पाल्मेटिक और अरेकिडोनिक याद कर लिया है और अब कहीं भी आया तो हम 16 और 20 ही ढूंढेंगे. ऑफकोर्स ऑप्शन में 16 और 20 रहने ही वाले. रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, इंक्लूडिंग है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक्सक्लूडिंग है. ठीक है, फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है. सिंपल लिपिड है ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल का जो दूसरा नाम है उस पर नीट में क्वेश्चन आया और बच्चे बोलते हैं हमें पता ही नहीं है क्या है दूसरा नाम, बिकॉज वी डोंट रीड एनसीईआरटी प्रॉपरली. सी एनसीईआरटी में ही दे रखा है ग्लिसरॉल का दूसरा नाम, है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन.
Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. Esterification process है. तो जितने fatty acid add हो जाएंगे to glycerol, they will be termed as, एक ही added है तो mono, दो added है तो diglyceride और तीनों added है तो triglyceride. Okay? Question है इन पे, monoglyceride, diglyceride, triglyceride. Glycerol and fatty acid का combination क्या बनाता है? Esters. Process is called esterification. These are also called fats and oils based on their melting point. मतलब saturated, unsaturated की ही concept को from fats and oil point of view देखना है तो भी देख सकते हैं. Based on what? Based on melting points. So oils have lower melting point. Gingerly oil, as it is example याद रखने हैं, right? And hence remain oil in winters. जो खाने वाला तेल है, like जो the oil which we use, vegetable oil which we use in cooking, in winter also it is in liquid form because they have what? Lower melting point. But if you see coconut oil, जो parachute oil, जो तेल हम सिर में लगाते हैं, वो जम जाता है. या फिर you take example of butter, वो पैराशूट भी छोड़ दो, नॉर्मल बटर एग्जांपल. बटर इज सॉलिड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर. हम रूम टेम्परेचर की बात करें, मान लो हमने हीट कर दिया तो बटर लिक्विड हो जाएगा, राइट? इट विल बी लिक्विड, बट यू हैव हीटेड इट ना, दैट्स नॉट रूम टेम्परेचर. और तुम उसको हीट करके वापस साइड में रख दो इन अ प्लेट, वो वापस सॉलिडिफाई होगा. मीन्स दैट इज वॉट? दैट इज अ फैट. वो एक फैट है. और ऑयल कौन होगा? जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड ही रहेगा. ओके, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स हैव फॉस्फरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम. इनको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड. मार्केट वाले का एग्जाम्पल क्या है? बटर. और क्या है वेरिएशन लिपिड में? फॉस्फोलिपिड भी है. कहाँ मिलते हैं फॉस्फोलिपिड? दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. उसका एग्जाम्पल कौन है? उसका एग्जाम्पल है लेसिथीन. इस पे आया हुआ है नीट में क्वेश्चन, है ना, कि फॉस्फोलिपिड तो है, ठीक है, क्या है फॉस्फोलिपिड? जिसमें फॉस्फेट कंपोनेंट है. कहाँ मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. और उसका एग्जाम्पल क्या है? लेसिथीन. सो इन्होंने प्रॉपर एक 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 लाइन में दिया है, बट क्वेश्चन बनाते समय क्या करेंगे, ये तीनों स्टेटमेंट्स को मिला लेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे. सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. मतलब ये लोग बात किसकी कर रहे हैं? माइलिन शीथ की. दे आर टॉकिंग अबाउट माइलिन शीथ इज अ फैटी शीथ जिसमें लिपिड होता है. ओके, फैटी शीथ मीन्स व्हाट? लिपिड. सो दैट वाज अबाउट लिपिड्स. ये लिपिड्स का पैराग्राफ देखेंगे तो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. यू कैन सी लाइक एमसीक्यू रिटन इन ईच एंड एवरी लाइन. इवन फैट्स एंड ऑयल के कंसेप्ट पे एमसीक्यू आया हुआ है. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द कंसेप्ट ऑफ दिस फैट्स एंड ऑयल्स. किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, राइट? सो नॉट अ सिंगल कंसेप्ट ऑफ लिपिड्स इज लेफ्ट टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस. वंस अगेन आई एम सेइंग कि एक बार क्वेश्चन आ गया है तो उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दे कैन जस्ट रीफ्रेम द क्वेश्चन, रीफ्रेम द इंग्लिश इन दैट क्वेश्चन एंड प्रेजेंट इट टू यू अगेन. दैट विल बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन. सो नेवर मिस आउट एनी कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी थिंकिंग कि अरे इस पर तो क्वेश्चन आ गया वापस नहीं आएगा. दैट्स नॉट ट्रू. ओके, लेट्स मूव अहेड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड. हेट्रोसाइक्लिक वी नो, राइट? सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन. अब वो बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की. न्यूक्लियोटाइड्स सब एक साथ आके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड मीन्स वॉट? अपना डीएनए आरएनए. सो दे आर टेलिंग यू नाउ डीएनए आरएनए कौन से कंपोनेंट से बनता है. सो दोज आर दी न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स बता रहेगी. तो पहला कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट कंपोनेंट इज द नाइट्रोजन बेसिस. तो कौन से है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन. ओके, अब उसके साथ साथ कौन मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है. व्हेन फाउंड अटैच टू, मतलब और एक कंपोनेंट है शुगर. अगर शुगर और न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस है साथ में, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड्स. और अगर उधर एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया एस्टरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स.
बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है. बेसिकली दे आर टेलिंग यू कि न्यूक्लियोटाइड्स और साइड्स का कंसेप्ट क्या है. ओके, सो लेट्स सी इट इन अ बेटर वे. सो व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग शुगर प्लस द नाइट्रोजन बेस. शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड. और इस कंपोनेंट में शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ अगर फॉस्फेट ऐड हो गया तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड. द मेन यूनिट ऑफ व्हाट? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड. सो इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कौन बनाता है, न्यूक्लियोसाइड कौन बनाता है. ओके, सो न्यूक्लियोसाइड कौन है? दो लोग हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस. टाइड कौन है? उसमें फॉस्फेट ऐड कर दो, फॉस्फेट ऐड कर दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है. एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन साइड्स है. और जो न्यूक्लियोटाइड होंगे दे विल ऑलवेज एंड विथ एसिड. एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स है. अब इस क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे आते हैं क्वेश्चन. दे विल आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोसाइड्स और टाइड्स. ऑलवेज रिमेंबर टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स विल एंड विथ एसिड, निलिक एसिड और डिलिक एसिड, बट ऑलवेज एंडिंग विथ एसिड. सीन, साइन एंड डाइन, डीन, इसमें दीज आर स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स यू कैन रिमेंबर. दोज आर दी न्यूक्लियोसाइड्स एंड दे डू आस्क नीट में आए हुए क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद दिए हुए एग्जाम्पल्स ही दे हैव आस्क्ड ऑन एडिनोसिन, गुआनोसिन. ये जो मैंशनड है इन्हीं के बारे में, मतलब जो है न्यू नाइट्रोजन बेसिस उनके न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड नाम मैंशनड है इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ. सो दे विल आस्क यू. ओके, न्यूक्लिक एसिड्स कौन है? आई टोल्ड यू डीएनए आरएनए है, कंसिस्ट ऑफ ये न्यूक्लियोटाइड्स ओनली. एंड एवरीबडी नोज डीएनए आरएनए क्या है. अपना मतलब अपना तो डीएनए है, जनरलाइज डीएनए आरएनए बोथ आर व्हाट? जेनेटिक मटेरियल. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. अब आता है द वेरी इंपॉर्टेंट पेज. आई ऑलवेज मैंशन दैट इज पेज नंबर 145, शोइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स. अब याद रखना है, स्टूडेंट्स फियर द स्ट्रक्चर्स देयर इन बायोमोलिक्यूल्स. ऑफकोर्स केमिस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ देख के डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर आएगा. सो नथिंग टू वरी, जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए है उसके बाहर का एक भी स्ट्रक्चर आज तक नहीं आया है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. एम्स लेवल में एक दो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, बट दे हैव द बेस ऑफ द वंस मेंशन्ड हियर. बट एनसीईआरटी से नीट पॉइंट ऑफ व्यू एक भी स्ट्रक्चर बाहर का नहीं आया है. ओके, सो दिस इज ग्लूकोज, राइबोज. ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है. आगे है इनके बारे में, ये फाइव है, ये पेंटोज शुगर है. ये सब क्या है? द माइक्रोमोलिक्यूल्स है. ओके, सो वी हैड सीन अमीनो एसिड, सो सी ग्लाइसिन विथ द आर ग्रुप बीइंग हाइड्रोजन, एलेनिन द आर ग्रुप बीइंग मिथाइल, एंड CH2OH सीरीन, राइट, हाइड्रोक्सी मिथाइल. ये तीनों ही स्ट्रक्चर नीट में आए हुए हैं. ठीक है, एक तो किसी एक का ही पूछा हुआ है कि ग्लाइसिन का बताओ या एलेनिन का या सेरीन का, या फिर तीनों दिए है. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलेनिन, ऐसा पूछा गया है. ओके, और लास्ट ऑप्शन एक रैंडम दिया होगा. नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है. दे हैव मेंशन पाल्मिटिक एसिड. इफ यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इधर मिलेंगे 16. ग्लिसरॉल भी दिया हुआ है एंड ट्राइग्लिसराइड समझाया है. जैसे ट्राइग्लिसराइड इज व्हाट? ये क्या है? दिस इज द बेसिकली ये ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे है.
तो उसकी जगह एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड, सो इट इज ट्राई ट्राइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड. सो वही देखना होगा स्ट्रक्चर में, कंफ्यूज नहीं होना है या डर नहीं जाना है स्ट्रक्चर देख के. ये तो ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर तो ये कॉन्स्टेंट ही है, दो फैटी एसिड ही अटैच है तो ये हो जाएगा डाई, अगर एक ही फैटी एसिड अटैच्ड है बाकी स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो हो जाएगा मोनोग्लिसराइड, सिंपल. ओके, और लेसिथीन भी दिया हुआ है. अब लेसिथीन जो है वो स्टूडेंट्स को एट अ ग्लांस डिफिकल्ट लगता है देख के, पर इट इज नॉट. सी उसमें ट्रिक है याद रखने की, ट्रिक क्या है, द नाइट्रोजन जहाँ तीन मिथाइल अटैच्ड है वो की है, इधर फॉस्फेट है ना. और अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो कितने हैं, दो. सो इसको हम ग्लिसरॉल विथ टू फैटी एसिड की जगह हम क्या बोल सकते हैं, इस पर ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, वी कैन कॉल इट अ डायग्लिसराइड ऑल्सो. डायग्लिसराइड मतलब दो फैटी एसिड ना, ये रहे दो, ये एक, ये दो, फॉस्फेट एंड ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. ये कीवर्ड्स होते हैं. इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर देख के स्टूडेंट्स गेट स्केयर्ड एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कौन सा स्ट्रक्चर है. बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, नाइट्रोजन विद थ्री मिथाइल, ये बहुत क्लासिकल है फॉर द फॉस्फोलिपिड लेसिथीन एंड ऑफकोर्स गिवन इन द एनसीईआरटी. सो वी हैव टू रिमेंबर इट. अपने को ये याद ही रखना है. और अगर ऑप्शंस दे रहे कि इतने ही याद रखने हैं तो क्यों नहीं, जितनी बार तुम उसको स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यू विल रिमेंबर फॉर श्योर, आई कैन अश्योर यू. नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है. तो कोलेस्ट्रॉल आगे है तो भी हम डायग्राम आया है तो देख लेंगे. फोर क्लोज्ड रिंग, वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक. तो पांचवा ओपन है चलेगा, बट चार क्लोज्ड रिंग मीन्स इट हैज टू बी व्हाट, कोलेस्ट्रॉल. ओके, लाइक दैट. नेक्स्ट है एडेनिन दिया हुआ है, यूरासिल दिया हुआ है. सी एडेनिन में क्या है, दो नाइट्रोजनस रिंग्स है जो प्यूरीन है. सो बेसिकली प्यूरीन्स हैव टू नाइट्रोजनस रिंग्स, पिरिमिडीन हैव ओनली अ सिंगल रिंग. तो इससे भी अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फिर क्या दिखाया है एडेनिन का ही, अगर अपने को ये देखना है न्यूक्लियोसाइड, तो क्या होगा, उसको कौन अटैच हो जाएगा, शुगर अटैच टू एडेनिन विल फॉर्म एडेनोसिन, एक न्यूक्लियोसाइड है. और अपने को उसी का न्यूक्लियोटाइड दिखाना है तो कौन अटैच हो जाएगा, एडिशनल फॉस्फेट अटैच टू द शुगर एंड एक साइड से द एडेनिन. ओके, सो ये हुआ न्यूक्लियोसाइड, ये हुआ न्यूक्लियोटाइड, लाइक दैट. सो इस पे, ये स्ट्रक्चर्स पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं. क्या देंगे ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसका ये स्ट्रक्चर दे देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट स्ट्रक्चर इज इट, इसका नाम, ये नाम पूछेंगे. सो क्या है, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन एक साथ क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड. तो सर्च फॉर ऑप्शन हैविंग न्यूक्लियोटाइड. इधर दिया तो नाइट्रोजन बेस है और शुगर है, मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड. सर्च फॉर ऑप्शन हैविंग न्यूक्लियोसाइड. सिमिलरली कोई भी और एग्जांपल दिया, लाइक यूरिडीन का क्या होगा, यूरासिल का क्या होगा, यूरिडीन एंड इधर यूरिडिलिक एसिड, जो दिखाया नहीं है बट इट इज़ अंडरस्टूड कि हमें समझ जाएगा. सो तीनों स्ट्रक्चर है तो इट इज़ वॉट, न्यूक्लियोटाइड. दो ही स्ट्रक्चर है तो इट इज़ न्यूक्लियोसाइड. ओके, सो नेक्स्ट, अभी ये क्या था, दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू टू द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो है अमीनो एसिड एंड द लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. अब तुरंत इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स दिए रहते तो चीज़ें इजीली तुम्हें समझ जाती, बट बीच में एक सेक्शन दिया हुआ है ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं. ओके, सो बेसिकली मेटाबोलाइट्स क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड आफ्टर व्हाट, आफ्टर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें एनाबॉलिज्म भी आता है, कैटाबॉलिज्म भी आता है, ये बेस अपने को पता होना चाहिए. ओके,
आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल और बिग लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करो, इफ पॉसिबल सिंथेसाइज भी करो लैब में. ये मतलब एक्साइटिंग पार्ट है केमिस्ट्री का. इफ वन वर टू मेक लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड शुगर. फॉर रीजन दैट दे आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स. दीज आर द प्रोडक्ट्स बेसिकली ऑब्टेंड इन एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. एनिमल टिश्यू में वन नोटिस प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1. ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर देखे थे, दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सच एज एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस. दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब क्या है वो आगे दिया है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस. वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म. कीवर्ड है इधर इन होस्ट ऑर्गेनिज्म. हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स. Some have even ecological importance, okay? और हम पढ़ेंगे आगे. तो basically वो क्या बता रहे हैं, they are talking about primary metabolites and secondary metabolites. So primary metabolites क्या है, जिनके functions अपने को पता है, which are taking part in all the physiological processes, जैसे कि glucose, fat, अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन. प्रोटीन अपने बॉडी को चाहिए कि हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए. तो ये लोग कौन होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. और सेकेंडरी ऐसे है कि उनके रोल्स होस्ट बॉडी मतलब जिसके बॉडी में है वहाँ नहीं समझ में आ रहे भाई. लाइक वो रबर ऊज आउट हो रहा है ट्री बार्क से, वो रबर का उस ट्री बार्क को कुछ काम है क्या, शायद नहीं, शायद नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट कम टू एनी कंक्लूजन लाइक वाई इज द रबर रूजिंग आउट एंड इज इट यूजफुल और नॉट. तो ज़्यादातर नहीं आ रहा है आंसर. बट इज दैट रबर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, येस रबर का बहुत यूज है, राइट. कॉटन हुआ, रबर हुआ, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. कि उस प्लांट बॉडी को यूज है कि नहीं, दैट इज द होस्ट, राइट, दैट इज क्वेश्चनेबल. तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कि जिनके फंक्शंस नोन नहीं है टू द होस्ट बॉडी. ओके, तो इसमें कौन कौन है, लाइक रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स, राइट. तो वो होस्ट बॉडी को स्पाइसेस सेंट का जरूरत है क्या, वो तो ज़्यादातर आंसर मिल रहा है आइदर दे डोंट नो और मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ नो कि नहीं है यूज. बट ह्यूमन वेलफेयर के लिए है दो ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी के सारे फंक्शंस प्राइमरी के हमें पता है. ओके, सो अ चार्ट इज गिवन सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो दिस चार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इस पर बहुत बार अल्टरनेट ईयर यून से क्वेश्चन आए हुए हैं. इट्स दैट इम्पॉर्टेंट. सो अपने को क्या करना है, उसको सब याद कर लेना है, उसका सिग्निफिकेंस. ये क्या है, ये बॉटनी में आता है, बेसिकली हैज अ प्लांट ओरिजिन कंसेप्ट ये चार्ट. और अपना चैप्टर है जूलॉजी का. सो यू नी नॉट गो इन द डिटेलिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट अननेसेसरीली. यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम एज इट इज, याद कर लेने हैं. ओके, सो फर्स्ट लाइक पिगमेंट्स, कैरेटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, राइट. कैरेटेनॉइड्स एंथोसाइनिन्स तो अपने को पता है, द ऑरेंज कलर एंड द पर्पल कलर पिगमेंट्स. एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडिन, ये पहले एज अ एनाल्जेसिक ड्रग यूज होते थे टू रिलीफ पेन. दे वर देयर टू एज अ कफ डिप्रेसेंट ऑल्सो, कफ भी सप्रेस कर देते थे. बट इनके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा दिखने लगे. दे ऑल्सो लाइक शोड ब्लरिंग ऑफ द विजन, हेलुसिनेशंस, ऐसे लाइक द ड्रग्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट, वैसे ये दिखाने लगे थे. सो नाउ डेज मॉर्फिन एंड कोडिन इज बैंड. टर्पिनॉइड्स, वेरी इजी टू रिमेंबर, टर्पिनॉइड्स, टर्पिन, टर्पिन, दोनों में वर्ड कॉमन है, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स.
इसेंशियल ऑयल्स लेमन ग्रास ऑयल, लेवेंडर ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, ये सब इसेंशियल ऑयल में आते हैं। टॉक्सिन एब्रिनरिसिन, लेक्टिन्स, कॉनकेनावेलिन ए जैक बीन्स में मिलते हैं। ड्रग्स विन ब्लास्टिन, करक्यूमिन मतलब टर्मरिक, पॉलीमरिक सब्सटेंस रबर, गम, सेल्यूलोस। तो यू वॉन्ट बिलीव दैट दिस होल चार्ट क्वेश्चंस आए हुए। दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो दे कैन आस्क मैच द फॉलोइंग और दे कैन आस्क कंप्लीट द एनालॉजी। ये दो तरीके के क्वेश्चन इस टेबल पे आते ही आते हैं। सो मेक श्योर दिस इज बाय हार्ट, मेक श्योर इट इज क्रिस्टल क्लियर, सीधे सीधे ही क्वेश्चन से उसके डिटेलिंग में इन द लास्ट 15 इयर्स एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। दे हैव जस्ट आस्क एल्कलॉइड्स कौन से हैं, या टेल द एल्कलॉइड्स ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, तो यही लोग रिपीट है। सो मेक श्योर यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस टेबल। ओके, सो दैट वॉज अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आगे है द कंसेप्ट ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी तक हमने क्या देखे, माइक्रोमोलिक्यूल्स देखे थे लाइक अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ यू हैव टू सी वही लोग जब एक साथ आते हैं तो कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। सिंपल, सो मैक्रोमोलिक्यूल्स, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, छोटे हैं, दोज आर माइक्रो, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। क्या है, 18 to 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली, डाल्टन्स इज द मेजर ऑफ द साइज बेसिकली द वेट। सो क्वेश्चन आया हुआ है, देर इज अ क्वेश्चन कि इनका नाम क्या है मैंशनड, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड द बिगर वंस विल बी कॉल्ड एज मैक्रो। ठीक है, सो द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैक्राइड एंड लिपिड्स। ओके, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैक्राइड एंड लिपिड्स। अब देखो लिपिड्स में एक्सेप्शन हो जा रहा है, आगे ही दिया हुआ है। सो दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। ओके, लिपिड्स क्या है, लिपिड एसिड सॉल्युबल है बट वेट उसका ज़्यादा है, इसलिए वो एक्सेप्शन में आ रहा है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन विच आर माइक्रो, और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रो। ओके, सो इसमें एक्सेप्शन की बात वापस की हुई है, मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। देन वाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट, वेट उसका कम है बट वो इनसॉल्युबल है, राइट, कम अंडर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, लिपिड्स आर इनडीड स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स बट प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इंटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। अगर हम ग्राइंड करते हैं, बेसिकली इन्होंने जस्टिफाई किया है कि क्यों लिपिड्स को अपन इधर ले रहे। सो सी, सो व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इंटू पीसेस बराबर टू फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल, हेंस दे आर इन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो बेसिकली क्या है कि लिपिड्स में याद क्या रखना है, साइज जो है उनका मतलब बेसिकली द वेट वो आता है रेंज में 18 to 800 डाल्टन्स बट दे आर एसिड इनसॉल्युबल,
तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों की वजह से लिपिड्स को हम क्या कंसिडर करते हैं? एक्सेप्शन। तो फ्रॉम द वेट पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको माइक्रो में कंसिडर करेंगे, फ्रॉम एसिड सॉल्यूब इनसॉल्युबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको मैक्रो में भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इट बीइंग एन एक्सेप्शन यू कैन कंसिडर इट एनी वेयर प्रोवाइडेड यू नो द रीजन फॉर इट। रीजन फॉर माइक्रो वेट उसका कम है, रीजन फॉर मैक्रो वो एसिड इनसॉल्युबल है। ओके, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। द मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। टुगेदर दे रिप्रेजेंट एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। नाउ इस पे नोटिस भी नहीं हुआ बट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लाइन पे, क्या एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली व्हाट? ओनली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, वेर एज मैक्रो साइटोप्लाज्म भी एंड ऑर्गेनल्स भी दोनों आएंगे मैक्रो में। टुगेदर ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू फॉर्म द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। सी छोटी छोटी चीजें हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव एंड इफ यू सर्च इज लिटरली अ क्वेश्चन ऑन दिस लाइन कि एसिड सॉल्यूबल में कौन है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। बट अगर तुम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और ऑर्गेनिल्स मिला दो तो वहां तुम्हें कौन ज्यादा मिलेंगे, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स। टुगेदर क्या बनाएंगे? लिविंग स्ट्रक्चर, पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन। सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, मतलब लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। इन समरी इफ यू रिप्रेजेंट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो माइंड इट, केमिकल मेंशन किया है, दे आर प्लेइंग सेफ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वर्ड्स के साथ खेलेंगे तो वो इनऑर्गेनिक है वाटर, राइट? अब आती है बारी इस टेबल की। सो वाटर एवरीबडी नोज, लाइक पूरे अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। सो क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है प्रोटीन्स। एंड बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें क्या है सीक्वेंस सही नहीं दिया है। प्रोटीन्स के बाद परसेंटेज किसका है? न्यूक्लिक एसिड का है, फिर कार्बोहाइड्रेट लिपिड आयन, 3-2-1। अब सीधे सीधे क्वेश्चन तो आए ही है, सबसे अबंडेंट कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया सेकेंड अबंडेंट कौन है, एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट? द मैच द फॉलोइंग। एंड और एक क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स अ पाई डायग्राम। सो पाई डायग्राम में क्या करेंगे? ऐसे पाई डायग्राम में लाइक 70% दिखाना है, 70% पानी दिखाएंगे और फिर ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। एंड देन दे लास्ट क्यू कि ये वाला सेक्शन कौन है भाई, तो ये तो वाटर है, फिर ये प्रोटीन होगा। जैसे जैसे कम कम होता जाएगा वैसे वैसे यू हैव टू टेल द आंसर। इसीलिए कंफ्यूजिंग पार्ट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। याद रखना है कि प्रोटीन्स के बाद ही न्यूक्लिक एसिड का नंबर आता है परसेंटेज वाइज, एंड देन कार्बोहाइड्रेट लिपिड आयन्स, आयन सबसे लास्ट। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड आगे क्या दिया हुआ है? दे हैव गिवन द एग्जाम्पल्स और द कंसेप्ट्स ऑफ वॉट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ द माइक्रोमोलिक्यूल्स वी जस्ट सॉ। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट मैंशनड है प्रोटीन्स। सी ऊपर और एक चीज़ दी हुई थी कि लिपिड्स को अगर हम छोड़े तो बाकी सब क्या है? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मीन्स वॉट? सारे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे जो लिपिड्स शो नहीं करते। लिपिड्स डू नॉट शो द पॉलीमर स्ट्रक्चर। सो क्या है प्रोटीन्स? दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड। टू अमीनो एसिड, लाइक एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड के बीच में अगर ये बॉन्ड की बात करें तो ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज पॉली पेप्टाइड, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, सो दीज आर
linear chains of amino acid linked by peptide bonds as shown in the figure. Each protein is a polymer of amino acid. बराबर है, protein में सब amino acid है. 20 types से amino acid के, alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine. Protein is a heteropolymer and not a homopolymer. Similar amino acid नहीं रहते, अलग अलग amino acid एक साथ आके protein बनाते हैं. So it's a heteropolymer, not a homopolymer. NEET में question आया हुआ है, okay? होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स. सो ये प्रोटीन फॉर्मेशन में होता नहीं है. दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर योर न्यूट्रिशन लेसन्स यू विल लर्न दैट सर्टन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर योर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आर डाइट. डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड. अब इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं. ओके, सो एमिनो एसिड्स कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल. नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं, बाहर से ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी खुद बना सकती है. वी गेट इसेंशियल थ्रू आर डाइट एंड नॉन इसेंशियल इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. इंग्लिश टर्म्स की मतलब बात करें, इसेंशियल मतलब चाहिए, नॉन इसेंशियल मतलब नहीं चाहिए. सही बात है, बट बाहर से नहीं चाहिए. इसेंशियल मतलब चाहिए, मतलब कहाँ से? बाहर से. बाहर से मतलब डाइट से. नॉन इसेंशियल मतलब बाहर से नहीं चाहिए. क्यों? बॉडी में बन रहे ना, तो क्यों चाहिए बाहर से? लाइक दैट. ओके, सो प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को फाइट करते हैं, सम हार्मोन्स आर देयर, सम एंजाइम्स आर देयर. सो बेसिकली दे आर टेलिंग यू the multiple functionings of what? Of protein. ठीक है ना? तो यहाँ डायग्राम में, टेबल में दिया हुआ है what functions of protein only. Collagen is a protein. क्या बनाता है? Intercellular ground substance. Trypsin enzyme है, which is a digestive enzyme. Okay, proteolytic enzyme. Insulin एक हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल्स ब्लड में कम रखता है. एंटीबॉडीज IgA, IgG जो फाइट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, तो वो भी प्रोटीन इन नेचर है. रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, स्मेल. एक हार्मोन को भी रिसेप्टर लगता है, वो भी क्या है? प्रोटीन. ग्लट फोर और ग्लूट फोर एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन टू सेल. इट्स अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. फुल फॉर्म उसका क्या है? GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4. ओके, ऐसे नाम दिए हुए हैं. सो कोलेजिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी एनिमल वर्ल्ड. अगर हम प्रोटीन्स की ही बात कर रहे हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कोलेजिन के बारे में. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन कीवर्ड एनिमल वर्ल्ड, नॉट जनरलाइज. वेर एज ट्रिब्यूलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज रिबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फियर. इसीलिए इस पर नीट में क्वेश्चन बने. बायोस्फीयर की बात करें तो वो है रुबिस्को. एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो वो है कोलेजन. दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन, इस टेबल पे क्वेश्चन आए हुए हैं. आइदर मैच द फॉलोइंग और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. राइट, सो दैट वाज अबाउट प्रोटीन. नाउ लेट्स सी अबाउट पॉलीसेक्राइड्स. सो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड एक साथ आके प्रोटीन बना दिए. तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है? तो मोनोसेक्राइड्स विल कम टुगेदर, जैसे ग्लूकोज हुआ, राइबोज हुआ जो हमने देखा, तो वो एक साथ आके पॉलीसेक्राइड बनाएंगे. सो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेक्राइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो दूसरा क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स के. लॉन्ग चेन्स है शुगर्स के, दे आर थ्रेड्स कॉटन थ्रेड जैसे कंटेनिंग डिफरेंट डिफरेंट मोनो. मोनो सिंगल यूनिट, सैक्राइड मतलब शुगर. सेल्यूलोस इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज. तो सेल्यूलोस क्या हुआ? होमो पॉलीमर. क्यों होमो? एक ही टाइप का मोनोमर रिपीट हो रहा है, वो कौन है? ग्लूकोज. तो इस पर आया हुआ है नीट क्वेश्चन. सेल्यूलोस इज अ पॉलीमर ऑफ डैश ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोस इज अ होमो पॉलीमर की हेट्रो पॉलीमर? तो इट्स अ होमो पॉलीमर.
नेक्स्ट स्टार्स की बात हो रही है. स्टार्च इज वेरिएंट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस इन प्लांट. प्लांट्स में फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अगेन क्वेश्चन एमसीक्यू. एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन. सो एनिमल्स में इट इज ग्लाइकोजन विच इज द स्टोर्ड फॉर्म एंड प्लांट्स में इट इज स्टार्च. दोनों पे क्वेश्चन बना हुआ है. ठीक है. इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. इंसुलिन नहीं है ये, इन्यूलिन है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बना हुआ है और अलग है. अब तक क्या थे सब पॉलीमर किसके है, ग्लूकोज के ही है, बट ये है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. नीट में आया हुआ क्वेश्चन, अगेन इट्स अ नीट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. इन अ पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन, राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग एंड. मतलब राइट एंड में मिलेगा रिड्यूसिंग शुगर एंड लेफ्ट एंड में मिलेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने स्टडी करके कंक्लूजन दिया है जो अपने को एज इट इज याद रखना है एंड एनसीईआरटी में मेंशनड है, इसीलिए इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है. इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ द कार्टून, जो डायग्राम में दिखाया है. स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सी बाकियों का स्ट्रेट स्ट्रक्चर था, इसका हेलिकल है, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है. ओके. सो स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन. अगर हम स्टार्च सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूशन डाल दें तो दैट स्टार्च स्ट्रक्चर विल होल्ड आयोडीन सॉल्यूशन एंड इट विल गिव अ डिफरेंट कलर. द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर. इट इज ब्लू इन कलर. अब सेल्यूलोस डज नॉट कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस, सीधा चेन है वो, तो वो नहीं होल्ड कर सकता. तो ये होल्ड नहीं कर सकता, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो कौन सा कलर देगा ये भाई, ये देगा नो कलर. इस पे भी नीट में क्वेश्चन आए. अब हम बोलेंगे कि यार ये तो दिया हुआ है, नहीं है, नहीं होल्ड कर पा रहा तो दिया है ना, दैट मीन्स इट विल शो नो कलर. स्टार्च कौन सा कलर देगा, ब्लू. और यहीं पे अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ग्लाइकोजन, सो ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर. क्या डाला तो आयोडीन सॉल्यूशन. ओके. सो स्टार्च ब्लू, ग्लाइकोजन रेड एंड सेल्यूलोस नो कलर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यह डायग्राम दिखाए हुए ब्रांचिंग वाले डायग्राम में अगर ब्रांचिंग दिखती है सो इट इज 1-6 मेंशनड, और अगर सीधा सीधा है सो द अरेंजमेंट इज 1-4. कि इसका ब्रांचिंग में कैसा है, फर्स्ट इसका द फर्स्ट कार्बन हियर एंड ब्रांचिंग की वजह से सिक्स कार्बन अटैच हो जाता है. सीधा सीधा ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, बट ब्रांचिंग में क्या हो जाता है, फर्स्ट है और सिक्स है, इसलिए ब्रांचिंग में अरेंजमेंट कैसा है 1-6 एंड अनब्रांच्ड में कैसा है 1-4. क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इसीलिए यू शुड नो द बेसिक्स. मोर दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसेक्राइड्स, जैसे प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, कॉटन फाइबर सेल्यूलोस, कॉम्प्लेक्स और पॉलीसेक्राइड्स है इन नेचर. सो यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, सेल्यूलोस के फंक्शंस बता दिए जिसपे क्वेश्चन बना हुआ है. कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर, मॉडिफाइड शुगर. मतलब क्या है कि होमोपॉलीमर्स नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच्ड है, ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक्सेट्रा. ओके. सो इधर उन्होंने बता दिया है कि और भी वैरायटीज है पॉलीसेक्राइड्स के. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज एग्जाम्पल ऑफ हैविंग कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटीन. अब इसका ये मतलब नहीं कि वो हेट्रो है, ठीक है ना. काइटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपॉड्स का, बट इट इज़ वॉट होमोपॉलीमर है, और उसका एक यूनिट क्या है, ये उसका यूनिट है एन एसिटाइल
It's not galactosamine though. It is N-acetyl glucosamine. Okay. क्रिएटिन का क्या है? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. क्या है इसका? ये मोनोमरिक यूनिट है टू फॉर्म व्हाट? क्रिएटिन. नहीं, जैसे ग्लूकोजामाइन हुआ, ये हुआ, ये सब क्या है? इंडिविजुअल यूनिट्स है जो एक साथ कंबाइन होके ये होमोपॉलीमर बना रहे हैं. सो अब तक जो ऊपर देखे हमने, कौन कौन थे? सेल्यूलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, इसी के साथ क्रिएटिन भी आएगा. इफ होमोपॉलीमर से अगर तो हेट्रो भी होंगे. सो हेट्रो का एग्जांपल दिया नहीं है इधर. हेट्रो पॉलीसैकराइड का एक क्लासिकल एग्जांपल क्या होगा? हायलुरोनिक एसिड, जो कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में मिलता है. ओके, सो दिस इज एडिशनल, बट हम याद रख सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही कंटेंट दिया हुआ है. नेक्स्ट इज द लास्ट वन, जो क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ आके बनाएंगे वो. द अनदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल वन वुड फाइंड एसिड इनसॉल्युबल में कौन है? न्यूक्लिक एसिड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ये. अगेन इस लाइन पे सिर्फ कि दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्वेश्चन है. टुगेदर विथ पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल्स. न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? नीट क्वेश्चन. न्यूक्लियोटाइड है ना. कौन कौन है न्यूक्लियोटाइड में? डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स तीन है. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब नाइट्रोजिनस बेस, फिर एक मोनोसैक्राइड है और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड मतलब द फॉस्फेट ग्रुप. डायग्राम में देखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन. एडेनिन, गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स एंड बाकी क्या है? सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स. दे आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. एंड रिमेनिंग आर सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स पे क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट स्टिल ये लाइन पे तो क्वेश्चन बना है. स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रेस्पेक्टिवली. सिंगल रिंग मतलब पिरिमिडिन, डबल रिंग मतलब प्यूरिन. हमने स्ट्रक्चर देखा है. शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आइदर क्या है? राइबोज है, पेंटोज, नहीं तो डीऑक्सीराइबोज. इसीलिए तो दो ही तरीके के न्यूक्लिक एसिड है. अगर राइबोज है तो क्या बनेगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड. और अगर डी ऑक्सी राइबोज है तो क्या बनेगा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए है ना. दो ही लोग है ना अपने पास, डीएनए एंड आरएनए. सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो द डी एंड आर इज स्टैंडिंग फॉर द एसोसिएटेड शुगर in DNA and RNA, right? So this was about what? Nucleic acid. So what are we going to do? We are going to stop here, and in the next session we will continue with biomolecules and finish it up. So this chapter, again I'm saying, is very very important from the NEET point of view, and even line to line if you can say is there, which is there in the NCERT, usme se questions bane hue hai. So very important. So go through it, understand it, okay? And if you are not getting anything, you can ask me in the doubts, in your doubts in the comment section, okay? So we are stopping here. Agar ye session acha laga hai to please do like, share and subscribe. You can also connect with me on on Facebook and Instagram, and also on the Telegram channel jahan main notes provide karti hu aur content bhi I give in the Telegram channel. Okay, so see you in the next session completing the chapter biomolecules. Bye bye, take care everyone.